So now we are coming to next part, grammar letter. Question G. Identify the following sentences as declarative, imperative, interrogative or exclamatory. ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, थर्ड क्लास में. सेंटेंसेस स्टिल आई एम गोइंग टू गिव यू शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन दिस टॉपिक. सेंटेंसेस क्या होता है? व्हेन सम वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग. जब बहुत सारे वर्ड्स को हम एक सेंटेंस में लिख देते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं और अपनी बात को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी को, दैट इज नोन एज सेंटेंसेस. सेंटेंसेज आर ऑफ फोर टाइप्स: डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर दी सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव में जब हम किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, जैसे शी इज़ हार्ड वर्किंग, तो हम उसमें बता रहे हैं वो कैसी है, हार्ड वर्किंग. दैट बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हम बता रहे हैं वो बॉय कैसा है, बहुत इंटेलिजेंट. दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर नोन एज डिक्लेरेटिव. इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव क्या होते हैं? दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेस अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और अ सजेशन. इसमें हम या तो कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ सजेशन देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गो टू स्लीप. इसमें हम क्या बोल रहे हैं? कमांड दे रहे हैं, जाकर सो जाओ. अच्छा, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं टीचर से, मैं आई ड्रिंक वाटर, मैम मैं आई ड्रिंक वाटर, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम. में क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है. और जैसे हम बोलते हैं यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड कीप, यू शुड बी क्वाइट, कीप क्वाइट, ऐसे करके हम आपको सजेशन देते हैं ना. या इस टाइप्स के ऑफ सेंटेंसेस क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव. नेक्स्ट इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव क्या होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है ना. दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज इंटरोगेटिव. एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में हम क्या होते हैं, कैसे सेंटेंसेस होते हैं? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशन. जैसे वाओ, आई हैव स्कोर वेल इन एग्ज़ाम. जब हमने अच्छे स्कोर किए एग्ज़ाम में तो हम बहुत खुश हैं. अलास वी लॉस द मैच. जब हम सैड हैं तो हम मैच हार गए. तो जैसे ये वर्ड्स होते हैं वाओ, अलास, हुर्रे, इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज. फर्स्ट, हाउ स्वीट द डेजी स्मेल्स. इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है. लगा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए तो ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी. डू यू लाइक टू ईट वाटरमेलन? क्वेश्चन मार्क इज देयर. इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? इंटरोगेटिव. नेक्स्ट, आई वॉन्ट द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट कॉम्पिटिशन. इसमें बता रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है. तो कौन सा सेंटेंस हुए? डिक्लेरेटिव. नेक्स्ट, वॉट अ टॉल बिल्डिंग इट इज. इसमें भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है. एक्सक्लेमेटरी मार्क देख के तो हम समझ जाएंगे कैसा सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी, एकदम शॉक हो रहा है ना, इतनी टॉल बिल्डिंग है, शॉक लग रहा है हमें, फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है. नेक्स्ट, पोर मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास में मिल्क डालकर दो. विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज? इम्पेरेटिव. राधा एंड मोहन गो टू द गो टू सेम स्कूल. इसमें हम बता रहे हैं राधा और जो मोहन है वो एक ही स्कूल में जाते हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं. तो विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज? डिक्लेरेटिव. नेक्स्ट, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. The subject of the sentence tells us who we are talking about in the sentence. Okay, sentences भी अब दो parts में divide होते हैं. किस किस में? Subject and predicate. अच्छा, subject क्या बताता है हमें? कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. For example, my father is a doctor. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Father के बारे में. तो father क्या हुआ? हमारा subject. और वो क्या है? वो doctor है. ये क्या हुआ? Predicate. Next, here my father is the subject of the sentence. इसमें my father जो है subject है sentence का. Coming to the next page, the predicate of the sentence tells us something more about the subject. In the above example is a doctor. मैंने आपको बताया उसमें हम क्या बता रहे हैं, my father हमारा subject है और father क्या है? Doctor है. तो वो हमारा क्या? Predicate है. Predicate क्या होता है? जो हमें subject के बारे में कुछ और information देते हैं.
is the predicate of the sentence. Okay, now we have to fill the exercise, circle the subject and underline the predicate in the sentences. आपको जो subject है उसको circle करना है, underline किसको करना है? Predicate को. First question, the sun rises in the east. इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Sun. The sun क्या है? Subject. और हम क्या बता रहे हैं sun के बारे में? Rises in the east. तो rises in the east क्या है हमारा? Predicate. Next, the old man was crossing the road. इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? The old man. तो old man क्या है हमारा? Subject. Predicate क्या है? Was crossing the road. Next, you will not be allowed to sit for the test. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें? You. तो you हमारा subject है. And rest of the sentence, will not be allowed to sit for the test. ये हमारा predicate है. Next, the night sky was bright and clear. इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? The night sky. The night sky हमारा subject. And rest of the sentence was bright and clear. ये क्या है हमारा? Predicate. Fifth point. My uncle is not in town these days. हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? My uncle. तो my uncle हमारा subject. Is not in town these days. यहाँ हमारा क्या है? Predicate. Sixth. Riya and Komal are my best friends. हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? Riya and कोमल. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? रिया एंड कोमल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो ये हमारा प्रेडिकेट हुआ. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. चूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. नाउ इन दिस बॉक्स यू आर बीइंग गिवन सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट दिए हैं और नीचे फिल करने हैं आपको ये सब्जेक्ट. और ये सारी जो लाइन्स हैं ये क्या है हमारे? प्रेडिकेट. आपको अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट चूज कर यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, डैश लुक फॉर नेक्टर इन द फ्लावर. कौन देखता है नेक्टर फ्लावर में? नेक्टर मीन्स अ स्वीट लिक्विड. फ्लावर में से स्वीट लिक्विड कौन लेता है? अ बजिंग बी. कौन लेता है? अ बजिंग बी. Dash has lots of clothes in it. बहुत सारे clothes कहाँ पर रखते हैं हम? Cupboard में. My closet. किस में? My closet. Dash checked my eyesight. Eyesight कौन चेक करता है? The eye doctor. कौन चेक करता है? The eye doctor. Dash needs soil, water and sunlight. Soil, water and sunlight की नीड किसको होती है? The house plant. घर में जो plant होता है. Dash landed in the UFO. UFO में कौन land करता है? Aliens. कौन land करता है? Aliens. Dash jumped in the sea. Sea में कौन jump कर रहा है? इसमें से bracket में से हमें कौन लग रहा है appropriate? A grey dolphin. Dash was upset because I broke her vase. मैंने ब्रोक कर दिया घर का वास. मीन्स फ्लावर पॉट. फ्लावर पॉट्स होते हैं हमारे घर में, इसमें हम फ्लावर्स रखते हैं. तो कौन अपसेट हो गया? माय मदर. नेक्स्ट, डैश इज फिल्ड विद स्टोरीज दैट आई रोट. स्टोरीज हम किस में लिखते हैं? माय नोटबुक. डैश स्पन अ वेब इन द डोरवे. वेब जाला कौन बनाता है? वेब मीन्स जाला. जाला कौन बनाता है? अ बिग स्पाइडर. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एक्सरसाइजेस प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.